नाम के दीवाना दिन रात लेवेनी, राम बाण के दवाई सुबह शाम लेवेनी, सीना फाड़ के नाम हनुमान लेवेनी, सीना फाड़ के नाम हनुमान लेवेनी। बुराई को न बात के राम के नाम लेवेनी, बुराई को न बात के राम के नाम लेवेनी। मैं बिजारन इंडिया वाले, और बहुत लोगों को राम मंदिर से दिक्कत है। जिन सज्जनों को राम मंदिर देखने से दिक्कत है, परेशानी है, वो आ जाए अयोध्या और अपना नेत्र दान कर दे, क्योंकि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। तो आप देख सकते हैं बिहार से एक पूरा गायक परिवार पहुंचा है। छोटे से बड़े सभी परिवार के लोग भगवान श्री राम के, हनुमान के बहुत ही अनन्य भक्त है और बहुत ही अच्छे गायक है। कहाँ से आप आए हैं सर, और क्या बताना चाहेंगे संक्षिप्त में? सर, भागलपुर बिहार से आए हुए हैं, और सच कहिए तो मैं लगभग पिछले 6 दिन से यहाँ आया हूँ और बहुत जगह घूमने गया हूँ इस देश में। सर, मैं इतना बताना चाहता हूँ कम शब्द में, दुनिया का सारा खुशी जो है इस वक्त अयोध्या में है और पूरा दुनिया राममय हो गया है। जय श्री राम। है ये कथा सनातन मर्यादा संग्राम की, है ये कथा सनातन धर्म के उत्थान की। आप लोग सभी लोग जय श्री राम ताली बजाकर। ये गाथा है राम मंदिर के निर्माण की, ये गाथा है राम मंदिर के निर्माण की, सोने की चिड़िया भारत को। ये गीत नहीं है सर, ये एक गाथा है जो 500 साल में राम के देश में इतने दिन लगे मंदिर को बनने में, वो लोगों के टिस है। सोना चांदी हीरा तो सभी दान कर रहे हैं, ये गीत उस बलिदानियों के लिए भी है जो मंदिर को बनाने में अपने प्राण को भी त्यागे हैं। सोने की चिड़िया भारत को बैरी बनाया था गुलाम, तंबू में रहने को भी बस थे भारत के राजा श्री राम। युग बदला साधु संतों ने, चलो अयोध्या किया ऐलान, गांव गांव से कार सेवा में निकले युवा बन के हनुमान। भव्य मंदिर बन गया, मान बढ़ी है हिंदुस्तान की, भव्य मंदिर बन गया, मान बढ़ी है हिंदुस्तान की। ये गाथा है राम मंदिर के निर्माण की। बिहार से हमारे बीच में एक परिवार पहुंचा है, सुंदर गायक बताए जा रहे हैं, पूरा परिवार इनका आप देख सकते हैं बिहार से पहुंचे हैं, बिहार से पहुंचे हैं। बहुत ही मधुर आवाज बताई जाती है, आपकी आवाज सुनना जरूर चाहेंगे। है ये कथा सनातन मर्यादा संग्राम की, है ये कथा सनातन धर्म के उत्थान की। आप लोग सभी लोग जय श्री राम ताली बजाकर। ये गाथा है राम मंदिर के निर्माण की, ये गाथा है राम मंदिर के निर्माण की, सोने की चिड़िया भारत को। ये गीत नहीं है सर, ये एक गाथा है जो 500 साल में राम के देश में इतने दिन लगे मंदिर को बनने में, वो लोगों के टिस है। सोना चांदी हीरा तो सभी दान कर रहे हैं, ये गीत उस बलिदानियों के लिए भी है जो मंदिर को बनाने में अपने प्राण को भी त्यागे हैं। सोने की चिड़िया भारत को बैरी बनाया था गुलाम, तंबू में रहने को भी बस थे भारत के राजा श्री राम। युग बदला साधु संतों ने, चलो अयोध्या किया ऐलान, गांव गांव से कार सेवा में निकले युवा बन के हनुमान। भव्य मंदिर बन गया, मान बढ़ी है हिंदुस्तान की, भव्य मंदिर बन गया, मान बढ़ी है हिंदुस्तान की। ये गाथा है राम मंदिर के निर्माण की, ये गाथा है राम मंदिर के। ये हमारे बड़े भैया है देव, ये सुनाएंगे इनके भी गायक देव धमाका बिहार से। राजधानी अयोध्या पुकारे, सरयू के पानी अयोध्या पुकारे, विलुप्त हो जाएगा ये दुनिया जहां रे, बस राम का नाम रह जाई यहाँ रे। जय श्री राम, जय श्री राम।
एक नाम के दीवाना दिन रात लेवेनी, एक नाम के दीवाना दिन रात लेवेनी, राम बाण के दवाई सुबह शाम लेवेनी, सीना फाड़ के नाम हनुमान लेवेनी, सीना फाड़ के नाम हनुमान लेवेनी। बुराई को न बात के राम के नाम लेवेनी, बुराई को न बात के राम के नाम लेवेनी। मैं बिजारन इंडिया वाले और बहुत लोगों को राम मंदिर से दिक्कत है। जिन सज्जनों को राम मंदिर देखने से दिक्कत है, परेशानी है, वो आ जाए अयोध्या और अपना नेत्र दान कर दे, क्योंकि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। देखिए सर, यहाँ पे सभी हनुमान बन गए हैं, उन सबके सम्मान में ये जो गीत अभी गाए थे मेरे पिता श्री विनोद प्रसाद गुप्ता जी लिखे थे, जो टीवी पे भी वायरल हो रहा है काफी, ये गाथा है राम मंदिर के निर्माण भी, ये यूट्यूब पे भी आया है, तो जो गाना पूरा सुनेंगे वो यूट्यूब पे चल जाएंगे। एक बार मैं नाम बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, मिथुन महुआ, लोक गायक मिथुन महुआ। तो लीजिए, जो हनुमत के दिल के पास है, भाई भरत के खास है, अरे एक पल में हर लेते हैं कष्ट सारे। आप देख सकते हैं बिहार से एक पूरा गायक परिवार पहुंचा है, छोटे से बड़े सभी परिवार के लोग भगवान श्री राम के, हनुमान के बहुत ही अनन्य भक्त हैं और बहुत ही अच्छे गायक हैं। कहां से आप आए हैं सर, और क्या बताना चाहेंगे संक्षिप्त में? सर, भागलपुर बिहार से आए हुए हैं, और सच कहिए तो मैं लगभग पिछले 6 दिन से यहाँ आया हूँ और बहुत जगह घूमने गया हूँ इस देश में। सर, मैं इतना बताना चाहता हूँ कम शब्द में, दुनिया का सारा खुशी जो है इस वक्त अयोध्या में है और पूरा दुनिया राममय हो गया है। जय श्री राम। पूरा परिवार गायक है आपका? हाँ जी, हम लोग कलाकार, इससे बहुत पापा हम लोग के गुरु हैं और उनको प्रेरणा प्रसाद गुप्ता, तो घर में एक पारिवारिक माहौल रहता है और ये थोड़ा कला को बड़ा सम्मान देते हैं हम लोग। क्या नाम है? मैं ही मिथुन महुआ हूँ। आपका नाम? देव धमाका उर्फ देव आनंद नाम है हमारा। ये हमारे छोटे भाई है और ये हमारे सबसे छोटे। मैं कहना चाहता हूँ, जैसे इस चीज, ये जो खुशी हम लोग बांट रहे हैं, हम हमारे जितने कार सेवकों का बलिदान गया है, सभी का रंग लाया है ये, तो मैं सम्मान में किसी के कुछ कहना चाहता हूँ। उबलते हुए खून की रवानी है मोदी, देश के युवाओं की जवानी है मोदी। जो अब तक सोए हुए थे हिंदुस्तानी, उनके जाग उठने की कहानी है मोदी। ये जो कार हम लोग खुशी मना रहे हैं, इसका श्रेय मोदी जी को। हम लोग ये प्रचार के रूप में नहीं बोल रहे उनके लिए, क्योंकि जो काम मोदी जी ये कर दिए हैं, ये और किसी की हिमाकत नहीं थी। योगी जी, मोदी जी और करोड़ों लोग जो जुड़े हुए हैं उनके मेहनत से हुआ। आप बोलिए। हाँ, जो राम और ये राम जी है, हम उनको लाएंगे। जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। जय श्री राम। दुनिया में फिर से हम, दुनिया में फिर से हम भगवान लहराएंगे। दुनिया में फिर से हम भगवान लहराएंगे। एक बार बिहार के रहने वाले इस गुप्ता परिवार के लिए सभी जोरदार ताड़ियां जरूर बजा दें। बहुत ही शानदार। छोटे गुप्ता जी भी गाते हैं कुछ? नहीं, गाते नहीं है। गाते हैं। ये बोलेगा जय श्री राम। जय श्री राम। आप भी कुछ गाते हैं, आप गाकर सुनाएं। जय श्री राम। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा। अयोध्या आकर बहुत अच्छा लग रहा है, माहौल बहुत अच्छा है। आप लोग भी आइए। जी सर, गाकर। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। हर घर में ये गूंजेगा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा। वादों से नारा लगाओ सब मिलकर, सभी भगवान लहराओ सब मिलकर। अभी जागो जागो युवा राष्ट्र, युवा राष्ट्र, युवा राष्ट्र, भारत देश बनेगा हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। क्या कहना चाहेंगे इनके लिए कुछ? जो पर्वतों से टकराए उसे तूफान कहते हैं, जो पर्वतों से टकराए उसे तूफान कहते हैं, जो तूफानों से टकराए उसे मोदी आज कहते हैं। बिल्कुल, बहुत ही शानदार जो है भजन गाया, बहुत ही शानदार गाना गाया। तो एक बार तमाम लोग गुप्ता परिवार के लिए इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, जो बिहार से पहुंचे थे। कमल बेटा का नाल बिकिंग न्यूज, अयोध्या।